आज फिर जॉन हॉल्ट की एक और किताब पर बात करने के लिए मैं जनसरोवर मंच के साथ मौजूद हूँ। तो सबसे पहले जनसरोवर मंच की तरफ से सबका स्वागत करता हूँ, और अभी 2-3 मिनट इंतज़ार कर सकते हैं, तब तक कुछ लोग और आ जाएं ताकि हम बातचीत शुरू कर सकें। नमस्ते महेश जी। पिछली बार मैंने जॉन हॉल्ट की एक किताब पर बात की थी जिसका नाम था अच्छा स्कूल, और वो अच्छा स्कूल जो किताब जॉन हॉल्ट ने लिखी थी वो स्कूलों के साथ काफ़ी वक्त काम करते हुए लिखी थी। असल में उनकी शुरू की एक किताब है जिसका नाम है बच्चे असफल कैसे होते हैं। ये किताब उन्होंने लिखी है 1964 में, और जिस किताब पर पिछली बार हमने बात की थी वो किताब जॉन हॉल्ट ने लिखी है 70 के बाद लिखी है, 76, करीब 76 में लिखी है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अच्छा स्कूल वाली। तो वो असल में ऐसे देखें तो 15 करीब 15-16 साल स्कूलों के साथ काम करते हुए वो अच्छा स्कूल वाली किताब जॉन हॉल्ट ने लिखी है। लेकिन शुरुआती जो जॉन हॉल्ट का स्कूलों में काम करने का अनुभव है वो उन्होंने अच्छा स्कूल वो उन्होंने बच्चे असफल कैसे होते हैं उस किताब में लिखा है। नमस्ते शीशराम जी। नमस्ते अलीमुद्दीन जी। तो मुझे लगा कि वो किताब उनके अध्यापक जीवन के बीच के दौर की है, अच्छा स्कूल उनके शुरुआती जीवन अध्यापन काल की किताब है, बच्चे असफल कैसे होते हैं। तो इस किताब पर बात करनी चाहिए ताकि हम ये समझ पाएं कि जॉन हॉल्ट एक अध्यापक के रूप में कैसे विकसित हुए। दरअसल ये जो किताब है कि बच्चे असफल कैसे होते हैं, ये महेश जी अच्छा स्कूल किताब BGBS ने प्रकाशित की है। छोटी सी किताब है, वास्तव में वो अच्छा स्कूल एक बड़ी किताब का हिस्सा है जिस किताब का नाम है शिक्षा के बजाय। उस शिक्षा के बजाय किताब को एकलव ने प्रकाशित किया है, और उस किताब का एक पाठ अच्छा स्कूल के नाम से भी है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था बच्चे असफल कैसे होते हैं वाली किताब की। तो ये किताब जॉन हॉल्ट ने अपने अध्यापन काल के शुरुआती दौर में लिखी थी। ये किताब प्रकाशित की है, एकलव ने प्रकाशित की है, और 1992 में इसका संस्करण आया था। असल में जॉन हॉल्ट ने भी इस किताब को लिखा है 1964 में। उसके बाद करीब 18 साल बाद जॉन हॉल्ट ने इस किताब को संशोधित और परिवर्तित करके छापा था। हिंदी में पहली बार ये किताब आई है 1992 में एकलव्य से, और मेरे पास इसका संस्करण है 2002 वाला, जो चौथा संस्करण है। तो हम सोच सकते हैं कि इसके 5-6 संस्करण और निकल चुके होंगे, संभवतः 8-10 संस्करण अभी तक हो चुके होंगे। तो मैं बात कर रहा था ये किताब एकलव ने छापी है, इसका हिंदी अनुवाद पूर्वा यज्ञ कुशवाहा ने किया है, और ये एकलव भोपाल से छपी हुई है। असल में ये किताब जब जॉन हॉल्ट ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, उनका पुराना अनुभव था, लेकिन एक ऐसे स्कूल में आए जहाँ उनको एक शिक्षक के साथ काम करने का मौका था। एक कक्षा में 2 शिक्षक थे 5वीं कक्षा में। तब वो करते ये थे कि एक शिक्षक पढ़ाता था और एक शिक्षक उसके काम का अवलोकन करता था, और अवलोकन के दौरान वो डायरी लिखते थे, और उस डायरी में अपने अनुभव लिखते थे स्कूल के, कक्षा के, और उसके बाद उन अनुभवों का विश्लेषण करते थे। तो ये उन्होंने लिखी है, आप देखिए स्कूल उन्होंने पढ़ाया 1958 से लेके 1900, इस डायरी में 58 से लेके 61 तक की टिप्पणियां हैं, तो करीब 4 साल मान सकते हैं, 58, 59, 60, 61, हाँ 4 साल तक का अनुभव है इसमें। तो उनको ये मौका था कि दो अध्यापक थे, तो एक अध्यापक पढ़ाता था, एक अध्यापक उसके नोट्स देता था, और फिर वो दोनों उस पर बात करते थे कि उन्होंने कक्षा में क्या देखा, उनके अनुभव क्या है। इस किताब की शुरुआत में जॉन हॉल्ट ने आभार प्रकट किया है, और उन्होंने सबसे ज्यादा आभार उन बच्चों के प्रति प्रकट किया है जिनके बारे में वो कहते हैं कि मैंने जितना उनको सिखाया कहीं उससे ज्यादा मैंने उनसे सीखा है।
और जब हम किताब को पलटते हैं तो हम देख सकते हैं कि यह बात सिर्फ लफाजी नहीं है, कहने के लिए नहीं कही गई है। हर पन्ने में आपको नजर आता है कि शिक्षक बच्चों के काम को देखकर लगातार सीख रहा है। और इस किताब का दूसरा संस्करण भी इस बात की तस्दीक करता है कि लेखक न सिर्फ बच्चों को उस स्कूल के बच्चों को देखकर सीख रहा है, बल्कि वो बाद में भी लगातार सोचकर सीखता रहता है और अपनी समझ को दुरुस्त करता रहता है। असल में इस किताब का जो दूसरा संस्करण है, जो संशोधित है, उस संस्करण में जॉन हॉल्ट ने किया यह कि पुरानी किताब तो पूरी की पूरी रखी और जहां जहां उनके विचार बदले वहां वहां उन्होंने हर पन्ने के साइड में एक लाइन खींचकर उन विचारों को दर्ज कर लिया। तो हम जब किताब पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम वो किताब भी पढ़ रहे हैं जो 1964 में लिखी गई थी, और वो किताब भी पढ़ रहे हैं जो 1982 में संशोधित की गई थी। इस किताब पर मैं 2-3 हिस्सों में बात करूंगा। मुझे लगता है इस किताब का प्राक्कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस पर भी मैं बात करूंगा। फिर इस किताब के 4 हिस्से हैं, तो आज मैं कोशिश करूंगा 4 में से 2 हिस्सों पर बात करने की। तो इसका जो प्राक्कथन है, उस प्राक्कथन का अगर आप पहला वाक्य देखें तो पहला वाक्य पढ़ के जो भी पढ़ता है उसको एक झटका सा लग सकता है, क्योंकि पहला वाक्य यह है कि अधिकांश बच्चे स्कूल में फेल होते हैं। अब इस वाक्य को पढ़ के हम थोड़े खुश हो सकते हैं कि हम तो शायद फेल होने वालों में नहीं है, और हम तो वो हैं जो पास हो गए, उसके बाद स्कूलों से बाहर निकल गए और फिर वो संयोग से पढ़ाने के काम में जुड़े हुए हैं। लेकिन अगले ही वाक्य में लेखक ये कहता है, मतलब हम जब ये सोच के थोड़ा चैन से बैठ जाते हैं कि ये हमारे बारे में नहीं कह रहा, ये शायद उनके बारे में कह रहा है जो बच्चे स्कूलों में फेल हो जाते हैं या जिनको प्रमाण पत्र मिलता है कि ये बच्चे पास नहीं हुए। लेकिन अगले पल लेखक ये कहता है कि भाई स्कूलों में सिर्फ वही बच्चे फेल नहीं होते जो कि फेल होते हैं, बल्कि बाकी दूसरे बच्चे भी गहरे अर्थों में फेल होते हैं। तो हमें थोड़ी चिंता हो जाती है कि ये हमें फेल क्यों बता रहा है। तो लेखक कहता है ये कि भाई जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनमें से बहुत कम बच्चे हैं जो कि लेखक के हिसाब से स्कूलों में पढ़ रहे हैं और ठीक से उन स्कूलों में मतलब लेखक के हिसाब से ठीक से पढ़ पाए। और वो उसका कसौटी बताता है कि लेखक उन बच्चों को स्कूल में पढ़ने के बाद सफल मानता है जो अपने सीखने, समझने और रचने के पैदाइशी सामर्थ्य को बचा कर रख पाते हैं और आगे भी काम लेते रहते हैं। तो असल में लेखक कह ये रहा है कि इस कसौटी पर देखें तो चाहे स्कूल में आप पास हो या फेल हो, ज्यादातर बच्चे फेल होते हैं। फिर लेखक ये कहता है कि भाई ऐसा क्या है कि मतलब बच्चे या स्कूल में असफल क्यों होते हैं। तो लेखक अपने अनुभव से बच्चों के असफल होने की 3 वजहें बताता है। वो कहता है कि बच्चे फेल इसलिए होते हैं, मतलब असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वो डरते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण, वे ऊबते हैं। और तीसरा कारण, वे भ्रमित रहते हैं। अब लेखक कहता है कि भाई डरते किससे हैं। तो लेखक कहता है डरते हैं बच्चे बड़ों से, वयस्कों से, और बड़ों और वयस्कों को नाराज करने से। फिर ये कहता है बच्चे ऊबते किससे हैं। तो लेखक कह रहा है कि बच्चे ऊबते हैं वहां पर जो निरर्थक और नीरस काम चलते हैं उनसे बच्चे ऊबते हैं। और भ्रमित किससे होते हैं, तो लेखक के हिसाब से भ्रमित होते हैं कि स्कूलों में अर्थहीन शब्दों की बाढ़ सुबह शाम, सप्ताह दर सप्ताह, साल भर उनके सिर पर गिरती है, तो उससे बच्चे भ्रमित होते रहते हैं। फिर लेखक खुद ही सवाल करता है कि भाई ये इतनी व्यापक असफलता क्यों है कि स्कूल में आने वाला बच्चा, चाहे उसको पास का सर्टिफिकेट मिले चाहे फेल का, वो असफल क्यों है। तो लेखक ये सवाल उठाता है कि भाई बच्चे मतलब हम स्कूलों में और कक्षाओं में करते क्या हैं। फिर बच्चे जो स्कूलों और कक्षाओं में काम करते हैं और अध्यापक जो करते हैं वो सोचते क्या हैं। फिर ये लेखक के मन में सवाल है कि बच्चे अपने सामर्थ्य का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? तो हॉल्ट कहते हैं कि भाई ये जो किताब मैंने लिखी है, यह किताब इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश है। और दरअसल लेखक ने चूंकि अपने कक्षा में काम करते करते ये डायरी लिखी है,
तो उसने उस डायरी को किताब में तब्दील करते वक्त ये किया है कि इसको व्यवस्थित किया है चार हिस्सों में, और चारों हिस्सों के उसने नाम दिए हैं। जैसे पहले हिस्से का नाम दिया है पैंतरेबाजी, दूसरे हिस्से का नाम दिया है भय और असफलता, तीसरे हिस्से का नाम दिया है वास्तविक ज्ञान, और चौथा हिस्सा है कि कैसे स्कूल असफल होते हैं। और भूमिका में थोड़ा समझाया है कि लेखक पैंतरेबाजी किसको कह रहा है। पैंतरेबाजी लेखक कह रहा है कि बच्चे जो वयस्कों द्वारा स्कूल में मांग की जाती है उससे बचने के लिए तिकड़म अपनाते हैं, उसको लेखक पैंतरेबाजी कह रहा है। और भय और असफलता वाले हिस्से में लेखक ने कोशिश की है कि पैंतरेबाजी की वजह से बच्चे जो नाकाम होते हैं स्कूल में वो किस तरह नाकाम होते हैं, और बच्चे डरते हैं, तो लेखक कह रहे हैं डरने की वजह से बच्चे पैंतरे अपनाते हैं और उससे नाकाम होते हैं। फिर वास्तविक ज्ञान में होल्टे कहते हैं कि भाई बच्चों से सीखने की उम्मीद क्या करते हैं और असल में बच्चे सीखते क्या है, इन दोनों फर्क को हॉल्ट वास्तविक ज्ञान कहते हैं। फिर आखिर में लेखक की बात करते हैं कि स्कूल असफल कैसे होते हैं। तो लेखक का मानना यह है कि भाई स्कूल बच्चों में बुरी रणनीतियां पनपाते हैं और डर जगाते हैं और ऐसा ज्ञान पैदा करते हैं जो खंडित होता है, विकृत होता है और बहुत ही अल्पकालिक होता है। हम सब याद कर सकते हैं कि हम स्कूलों में परीक्षा पास करने के लिए जिन चीजों को रटा करते हैं या जिन चीजों को हमने कभी रटा है वो ज्ञान हमारे पास आज मौजूद नहीं है। जैसे मैं याद करूं तो मुझे ये लगता है कि मैंने बीएससी करने में जो विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान का ज्ञान रट के हासिल किया था और परीक्षाएं दी थी, वो ज्ञान करीब करीब मेरे दिमाग से साफ हो चुका है। तो ऐसे मुझे लगता है हम सबके अनुभव होंगे कि जो ज्ञान हम स्कूलों में हासिल करते हैं तो बहुत सारा हिस्सा उस ज्ञान का हमारे भीतर से गायब हो जाता है। वो तब तक हम याद रखते हैं जब तक हम परीक्षा देते हैं, और परीक्षा के बाद उस ज्ञान के बड़े हिस्से को हम भूल जाते हैं। फिर लेखक ने जब इस किताब का दूसरा संस्करण लिखा तब लेखक ने उसका फिर से प्राकथन अलग से लिखा है, और उस प्राकथन में जो इस किताब को पढ़ के लोगों ने सवाल उठाया, जैसे कई शिक्षकों ने कहा कि भाई आपने ये किताब लिखी है ये बच्चों के असफल होने के बारे में, तो आप शिक्षकों के असफल होने के बारे में किताब कब लिख रहे हैं। तो लेखक हॉल्ट मजाक में कहते हैं भाई ये किताब मूलतः अध्यापकों के नाकाम होने के बारे में ही है, ये बच्चों के बारे में नहीं है। मैंने नाम दिया है बच्चों का लेकिन मूलतः अध्यापकों की नाकामी का दस्तावेज है। फिर जब हॉल्ट लोगों से बात करते थे तो लोग कहते थे, अध्यापक खासतौर से, कि आप तो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम ठीक से काम नहीं करते, बच्चों को सिखा नहीं पाते। तो जॉन हॉल्ट जवाब देते हैं कि भाई मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा और मैं खुद पर भी आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मैं अपने आप को जिम्मेदार समझता हूं कि अगर कक्षा में मैं पढ़ाता हूं और मेरे बच्चे वो चीज नहीं सीख पाते जो मैं सिखाना चाहता हूं तो मुझे बड़ी चिंता होती है और दुख होता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरे बच्चे वो चीज क्यों नहीं सीख पा रहे। तो हॉल्ट कहते हैं कि भाई मैं अपने आप को जिम्मेदार समझता हूं और उस जिम्मेदारी की वजह से मैं इन कारणों की तलाश करना चाहता हूं कि इन हमारे स्कूलों में बच्चे सीख क्यों नहीं पा रहे। फिर प्राकथन में एक और चीज का जिक्र करते हैं हॉल्ट। वो कहते हैं कि भाई इसी तरह इस किताब पर बात करते हुए एक बार एक बात हुई, न्यूयॉर्क शहर में एक शोध किया गया था। उस शोध का मकसद यह था कि ऐसे स्कूलों का पता लगाया जाए कि जो कारगर हैं, और कारगर का ये मतलब था कि उन स्कूलों में सभी समुदाय के बच्चे हों, उन स्कूलों में सभी आर्थिक स्तरों के बच्चे हों और उन सभी बच्चों के सीखने के स्तर में खास फर्क नहीं हो। क्योंकि बहुत से स्कूल ऐसे होते हैं जो जहां पर सभी समुदाय के बच्चे नहीं होते हैं, बहुत से स्कूल ऐसे होते हैं जहां सभी वर्गों के, आर्थिक वर्गों के बच्चे नहीं होते। तो उस अध्ययन में उन स्कूलों के कारगर होने की पांच वजहें निकल के आई। तो हॉल्ट कहते हैं मुझे उन पांच में से दो वजहें कारगर लगती है, और वो दो वजहें जो है वो जो हॉल्ट को पसंद थी वो बताते हैं कि अगर छात्र छात्रा नहीं सीखते तो अध्यापक उनके परिवार, उनके मोहल्ले, उनके समाज, उनके परिवेश को दोष नहीं देते बल्कि
बच्चों के सीखने और ना सीखने की कामयाबी और नाकामयाबी का जिम्मा खुद लेते हैं। और दूसरी जो बात उस शोध में पता चली वो ये थी कि अगर शिक्षक कोई तरीका अपनाते हैं सिखाने का और वो तरीका कारगर नहीं है तो वो बच्चों को असफल घोषित नहीं करते, बल्कि उस तरीके को बदलने की कोशिश करते हैं। इसको हम जोड़ के देखें तो हम जब भी अध्यापकों से बात करते हैं तो खासतौर सरकारी अध्यापकों से, तो ये सुनने में आता है कि जो बच्चे नहीं सीख रहे हैं ये बच्चे जिम्मेदार हैं, इनके समाज जिम्मेदार हैं, माता पिता जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो इसलिए वो इनकी मदद नहीं कर सकते और इसलिए बच्चे नहीं पढ़ते। तो हम देख सकते हैं कि हॉल्ट जो कारगर स्कूलों की एक शर्त बता रहे हैं कि वहां के अध्यापक बच्चों के नाकाम होना या कामयाब होने का जिम्मा खुद लेते हैं, और हम यहाँ पर बड़े पैमाने पर बच्चों के नाकाम होना या बच्चों के न सीखने का जिम्मा खुद ना लेकर, मतलब ना तो अध्यापक लेते हैं ना स्कूल लेता है, और वो बच्चों के समाज घर परिवेश पर छोड़ देते हैं। इसके बाद मुझे लगता है अब मैं बात करूंगा इस किताब के पहले हिस्से की, जिस हिस्से में जॉन हॉल्ट ने पैतरेबाजी की बात की है, और मैं कोशिश करूंगा कि उनमें से कुछ पैतरों के किस्से आपको पढ़ के सुनाऊं ताकि आपको थोड़ा अंदाजा लगे कि जॉन हॉल्ट की निगाह कितनी बारीक थी और वो अपनी कक्षा के बच्चों को कितनी बारीक से देखते थे। तो मैंने सूची बनाई है कि वो जो पैंतरेबाजी के हिस्से में जॉन हॉल्ट ने जो पैंतरे पहचाने हैं, उन्होंने चार पांच तरह के पैंतरे पहचाने हैं, तो आप सुनते हुए याद कर सकते हैं कि हम सब भी उन पैंतरों को, बच्चे थे तब भी काम लेते थे और बड़े हैं तब भी हम काम लेते हैं जब भी हम किसी चीज का सामना ठीक से नहीं कर पाते। तो जॉन हॉल्ट कहते हैं कि बच्चे आमतौर पर चार पांच तरह के पैंतरे काम लेते हैं। जैसे एक पैंतरा है कि बच्चे से कुछ पूछा जाए तो वो फुसफुसाकर या बुदबुदाकर जवाब देते हैं। दूसरा पैंतरा है कि बच्चे जवाब देने के बजाय अध्यापक से जवाब उगलवाते हैं। तीसरा पैंतरा है कि बच्चे तुक्का लड़ाते हैं और शिक्षक की प्रतिक्रिया देखते हैं कि शिक्षक क्या जवाब देता है। फिर एक पैंतरा है चौथा कि बच्चे चुप्पी साध जाते हैं। और पांचवा पैंतरा है कि बच्चे अनुमान लगाते हैं और अध्यापक के चेहरे को देखते हैं कि उनका अनुमान सही है या नहीं है। तो मैं ये सब पढ़ता हूं जिसमें बच्चे फुसफुसाकर या बुदबुदाकर उत्तर देते हैं, बहुत ही रोचक हिस्सा है। मैं थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं इसको कि एक बच्ची का अवलोकन है जिसमें जॉन हॉल्ट ये कह रहे हैं कि एक बच्ची है जो ये करती है कि भय के दबाव में वह कई ऐसी चालें चलती है जो दूसरे बच्चे भी काम में लेते हैं। वह यह जानती है कि कविता पाठ के घंटे में शिक्षक का ध्यान 20 बच्चों में बंटा होता है। वह यह भी जानती है कि शिक्षक अक्सर उन बच्चों से सवाल करते हैं जो जवाब नहीं जानते, ध्यान नहीं दे रहे होते या भ्रमित से लगते हैं। सो उसे यह लगता है कि उचित और सुरक्षित नीति यही होगी कि वह अपना हाथ उठाए और चेहरे पर ऐसे हाव भाव लाए कि मानो वह उत्तर देने को लालायित हो, फिर चाहे उसे जवाब आता हो या न आता हो। यह उसका मुझे यह बताने का तरीका भी है कि उसे कम से कम बखूबी यह मालूम तो है कि कक्षा में क्या चल रहा है। जब भी कोई बच्चा सही उत्तर देता है तो वह गर्दन हिलाकर हां में हां मिलाती है, कभी कभार अपनी टिप्पणी भी जोड़ देती है, पर उसके हाव भाव और आवाज से पता चलता है कि उसने एक जोखिम मोल लिया है। मजेदार बात यह है वह तब तक अपना हाथ ऊपर नहीं करती जब तक करीब आधा दर्जन बच्चों के हाथ न उठ चुके हों। ऐसा भी होता है कि कोई सवाल उससे भी किया जाए, जैसा उस रोज हुआ था। सवाल किया गया कि 48 का आधा क्या है, उसका हाथ ऊपर उठा था, जवाब उसने फुसफुसा कर दिया 24। मैंने उसे उत्तर दोहराने को कहा, उसने जोर से कहा, मैंने कहा और धीमे से जोड़ा 24। कई बच्चे उत्तर सुन नहीं पाए। मैंने उसे फिर से उत्तर दोहराने के लिए कहा, उसके चेहरे पर तनाव था। अब उसने साफ और ऊंची आवाज में कहा, मैंने कहा था कि 48 का आधा होता है, और तब काफी नीची आवाज में कहा 24। फिर भी बच्चों ने उत्तर नहीं सुना। इस पर वो नाराज हुई। उसने कहा, ठीक है, अब मैं चिल्लाकर जवाब दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, वह भी चलेगा। वह आत्मदम के साथ चीखी,
सवाल है कि 48 का आधा क्या है, ठीक है ना? मैंने सहमति जताई। अब उसने फुसफुसाहट से कुछ ही ऊंचे स्वर में जोड़ा, 24। मैं उससे किसी भी हालत में यह कबूल न करवा सका कि उसने केवल सवाल ही दोहराया था, जवाब नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जिन बच्चों को अपने जवाब पे भरोसा नहीं होता, वो बच्चे जवाब को बहुत धीमे बोलते हैं और जवाब के आसपास जो बातें हैं उसको बड़े जोश से और जोर से बोलते हैं। और बाकी आपने देखा ही है कि बच्चे कैसे अपने आप को और बच्चों के साथ मिला लेते हैं। जैसे हम सब जानते हैं, कक्षा में काम करते वक्त जब आप बच्चों से कोई सवाल पूछें और बच्चों का जवाब नहीं आता हो, तो मेरा अनुभव ये है कि शुरू में बच्चे, दो तीन बच्चे जवाब देते हैं, आप फिर से सवाल पूछें तो 10 बार बच्चे जवाब देते हैं, और तीसरी बार अगर आपने फिर सवाल दोहरा दिया तो आप पाते हैं कि पूरी कक्षा एक साथ जवाब को दोहराती है। तो ये भी दरअसल एक तरह की तिकड़म ही है कि आप पहली बार जवाब नहीं दें, दूसरी बार कुछ बच्चे जवाब दें, तीसरी बार सब मिलकर जवाब दें। ऐसी दूसरी तिकड़म या दूसरा पैंतरा जो है, जो जोमेट बताते हैं, वो कहते हैं अध्यापक से उत्तर उगलवाना। कि कई बच्चे इस बात में बहुत माहिर होते हैं कि अध्यापक से उत्तर को कैसे उगलवाया जाए। तो हम एक बच्चे का किस्सा पढ़ के देखते हैं कि वो बच्चों से उत्तर कैसे उगलवाता है, सॉरी, अध्यापक से उत्तर कैसे उगलवाता है। और छोटा सा है पर बड़ा रोचक किस्सा है ये वाला भी। कि ये दिसंबर 7 की डायरी है 1958 की, और शीर्षक दिया है लेखक ने, हॉल्ट ने, कुछ बैंतरेबाज काम पर। एटलस के द्वितीय परिचय में छात्रों से एक सवाल पूछा गया है। एटलस की तालिका में दो मूल शब्द कीवर्ड्स दिए गए हैं। पृष्ठ पर एक नजर दौड़ाकर बताइए कि वे शब्द क्या है। पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में शब्दकोश की तरह उस पृष्ठ में आने वाले प्रथम व अंतिम स्थानों के नाम कुछ मोटे अक्षरों में छापे गए थे। उम्मीद यह थी कि बच्चे उस पर गौर करेंगे, यानी वे उपरोक्त सवाल का उत्तर तत्काल ही समझ लेंगे। अभी उस दिन एबी और जेन को यह समझ ही नहीं आया कि सवाल उन्हें क्या करने को कहता है। हमने पर्चे में दिए सारे उदाहरण पढ़ डाले पर बात नहीं बनी। आखिरकार मुझे कहना पड़ा कि वे अपनी जगह पर लौट जाएं और गहराई से सोचें कि सवाल क्या है। 2-1 मिनट में जेन फिर से दरवाजे पर दिखाई दी और कुछ रोष से भरकर बोली, क्या आपको ठीक ठीक पता है कि उत्तर में वे दो शब्द नहीं लिखने हैं जो पन्ने के ऊपरी हिस्से में छपे हुए हैं? क्योंकि मैंने इसका कोई जिक्र किया ही नहीं था, मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने आश्चर्य भरकर कहा, मैंने ऐसा कब बताया? जेन तुरंत एबी की तरफ मुड़ी जो दरवाजे पर ही खड़ी थी और जोर से बोली, लिख लो। उसे वे सारे इशारे मिल गए थे जिसकी उसे जरूरत थी। तो हम देख सकते हैं कि इस किस्से में कैसे बच्चे अध्यापक को से जवाब उगलवा रहे हैं, कि उनको अपने जवाब पर भरोसा नहीं है तो वो ऐसा सवाल पूछते हैं कि अध्यापक मजबूर हो जाता है कि अपना जवाब दे। ऐसी एक पैंतरा जो बच्चे आजमाते हैं वो है तुक्का भिड़ाना और शिक्षक की प्रतिक्रिया का इंतजार करना। तो इसका भी मैं किस्सा छोटा सा पढ़ के सुनाता हूं कि कैसे बच्चे तुक्का भिड़ाते हैं और फिर जवाब का इंतजार करते हैं। अच्छा, इसमें इस तिकड़म में एक रोचक चीज ये है कि बच्चे सिर्फ तुक्का भिड़ा के इंतजार ही नहीं करते, बच्चे तुक्का भिड़ा के शिक्षक को डाइवर्ट भी करते हैं, मतलब किसी और चीज तरफ मोड़ देते हैं। तो ये बात इस अनुभव पता चलेगा शिक्षक को अंत में समझ में आई कि बच्चा कर क्या रहा है। जैसे हॉल्ट एक काम कराते थे कि बच्चों को भाषा का काम करते हो कुछ शब्दों को सिखाने के लिए कुछ वर्णों के शब्द बनवा देते हैं अंग्रेजी के। जैसे पैट है तो पैट बनाया PAT से, फिर P की जगह C रख दिया, फिर उसका कैट बनाया, और ये सिखाना चाहते थे कि अक्षर बदलने से ध्वनि बदल जाती है। ऐसे उन्होंने रन बन फन वाले सिखाए, तो वो बच्चा उस सीखना नहीं चाहता था। तो बच्चे ने क्या किया एक दिन, कि जब होल्ड उनके साथ काम कर रहे थे तो बच्चे ने एक शब्द उछाला, स्ट्रक्ट। होल्ड ने जानना चाहा क्या मतलब है, तो उसने फिर दोहराया, स्ट्रक। तब तो होल्ट कह रहे हैं कि इस शब्द ने मुझे आश्चर्यजनक झटका दिया, क्योंकि मैं तो उस समय तक यह मानने लगा था कि अक्षरों, शब्दों और ध्वनियों के विचार उसके दिमाग में साफ होने लगे हैं। और तभी वह अचानक अपने निरर्थक शब्द के साथ मेरे सामने खड़ा हो गया था। वह ऐसी गलती कैसे कर सकता है, उसका क्या अर्थ है,
मुझे इस हालत से कैसे निपटना चाहिए, इस तरह के तमाम सवाल मेरे सामने खड़े हो गए। होल्ट कहते हैं कि मुझे इस बात को समझने में लंबा समय लगा, शायद सप्ताह शायद महीने, कि उस लड़के ने जब स्टड कहा तो कोई गलती नहीं की, उसने खाली दृश्य को बदलने की कोशिश की थी। मैंने उसे काम दिया था कि वो मेरे बनाए शब्दों को पढ़े और उच्चारण करें, तो उसने अपना पिंड छुड़ाने के लिए और सुस्ताने के लिए मुझे काम सौंप दिया कि मैं यह ढूंढूं कि स्टड का मतलब क्या है। तो उसने गेंद मेरे पाले में उछाल दी और मुझे व्यस्त कर दिया। काफी समय बाद होल्ट को समझ में आया कि आखिर हो क्या रहा है। तो होल्ट कहते हैं कि संभव है कि यह मुझे जांचने परखने का उसका तरीका रहा हो, वैसा नहीं जैसा कि शब्दों को देखते समय रहता था, जैसे शब्दों को पढ़ते समय वह तनावग्रस्त हो जाता था, उसका पूरा ध्यान अपने काम पर केंद्रित होता था। जब उसने अपने घड़े गए शब्द स्टट STUT को मेरी तरफ उछाला, उसके बाद वह शांति से मेरी तरफ जिज्ञासा के साथ देख रहा था। मेरी प्रतिक्रिया क्या होती है, आगे क्या घटता है, यह उसका इंतजार कर रहा था। अब अचानक मैं उसके प्रयोग की वस्तु बन गया था, न कि वह मेरा। तो हर्ट कहते हैं कि तब तक मैं बच्चों की तुक्का भिड़ाओ और शिक्षक की प्रतिक्रिया का इंतजार करो इस रणनीति को समझ चुका था, इसलिए मैंने उसके बाद जब भी वह ऐसा कोई शब्द कहता तो मैं चुप रह जाता या किसी और तरफ देखने लगता। ऐसे ही जो चुप्पी वाली रणनीति है उसके बारे में होल्ट एक किस्सा बताते हैं कि होल्ट ने जब किताब लिखी तो उसके बाद उनके पास एक चिट्ठी आई, एक व्यक्ति ने चिट्ठी लिखी और उसने बताया कि भाई उस व्यक्ति ने अपने पत्र में वर्तनी को लेकर अपनाई गई अपनी एक रणनीति का उल्लेख किया। उसने बताया कि जब कभी उसे ऐसा कोई शब्द पूछा जाता जिसमें हिज्जों के बारे में उसे 100% भरोसा न होता तो चुपचाप खड़ा रह जाता, न कोई अनुमान न कोई सवाल, बस एक अटूट खामोशी। उसके वह सहपाठी जो दूसरे बच्चों की गलतियों पर ठठाकर हंसा करते थे वे भी उस खामोशी से परास्त हो जाते थे, बल्कि शायद उसके प्रशंसक बन जाते थे। चुप्पी ने उसे कभी किसी संकट में नहीं फंसाया। तो यह थी एक श्रेष्ठ स्कूली रणनीति। बिल और मेरे पास भी हमारी कक्षा में मौन की रणनीति अपनाने वाले छात्र थे। वे यह तो समझते थे कि चुप रह जाने पर वे उस अपेक्षा की अवज्ञा कर रहे थे जो हम शिक्षकों के मन में थी, पर फिर भी उन्हें यह जरूर लगता था कि सबसे सुरक्षित उपाय यही है। इसी तरह जैसे मैंने उस बच्ची का किस्सा बताया जो भूगोल वाला था कि भूगोल में बच्ची सवाल पूछ के शिक्षक के चेहरे को देख के अनुमान लगाती है, इसको हर्ट ये भी कहते हैं कि बच्चे जो ये तरीका काम में रहते हैं कि अच्छा कि इसमें सवाल सवाल को कहकर अनुमान लगाते हैं, शिक्षक जवाब चाहते हैं, लेकिन कई बार बच्चे ये भी कहते हैं कि बच्चे ये भी करते हैं कि शिक्षक का चेहरा देखकर अनुमान लगाते हैं कि शिक्षक क्या सोच रहा होगा, तो वो कोई या तो बात करते हैं या कोई काम करते हैं और फिर चेहरा देखते हैं शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होती है। तो हम देख सकते हैं कि इस पहले हिस्से में जॉन होल्ट ने जो अपने अनुभव थे उन अनुभवों में से ऐसे अनुभवों को इकट्ठा करा है जिसमें उन्होंने ये पाया कि बच्चे स्कूलों में किस तरह के पैंतरों को इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि आज हम पैंतरेबाजी तक ही रहेंगे और अगली बार जब बात करेंगे तो इसके जो बाकी हिस्से हैं उसमें से किसी अगले एक या दो हिस्सों पर बात करेंगे। तो अभी यदि किसी का कोई सवाल है तो उसको लेकर बात कर सकते हैं। राम सिंह कह रहे हैं समर हिल की समीक्षा की उम्मीद है। मुझे लगता है मैं जो बात कर रहा हूं वो समर हिल के परिचय के लिहाज से बात कर रहा हूं, समीक्षा किसी और वक्त करेंगे। एक बार इस किताब से हम परिचित हों, ये सही है हम में से कई लोग इससे परिचित होंगे लेकिन हम में से बहुत से लोग इससे परिचित नहीं है। यावर हबीब कह रहे हैं कि बच्चे असफल क्यों होते हैं, पुस्तक को आपके द्वारा बच्चों का कक्ष प्रतिक्रिया बहुत ही अच्छे से आपने व्यक्त किया, शुक्रिया यावर जी। और कोई सवाल मुझे इसमें दिख नहीं रहा है, कमेंट, चलिए मैं कमेंट देखता हूं एक बार कि और कोई कमेंट है क्या, तो मुझे कमेंट दो तीन ही दिखाई दे रहे हैं, मुझे नहीं पता है इसमें बाकी और कमेंट क्यों नहीं दिख रहे।
चलिए, तो और कोई सवाल मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि कमेंट मुझे 2 दिन ही दिख रहे हैं। तो आज आज की इसकी बातचीत को यहीं खत्म करते हैं, और अगली बार इसके जो बाकी बचे हिस्से हैं उनमें से एक या दो हिस्सों और बात करेंगे, और फिर यदि हुआ तो तीसरी बार इसके आखिरी हिस्से पर, पूरी किताब पर एक बार फिर से बात करेंगे। शुक्रिया दोस्तों।